हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप लोग को बताया कि 2025 में आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी इस बार पाकिस्तान में होना है। पिछली बार T20 का आपने 2023 का तो हश्र देख लिया, वो भी पाकिस्तान में होना था, बस वो नाम के होस्ट बन के रह गए वो। तो अब ये 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी फिर से पाकिस्तान में होना है, और पाकिस्तान ने वेन्यूज के बारे में, चैंपियंस ट्रॉफी के लाहौर है और रावलपिंडी है, कराची है, तीन जगहों का नाम भेज दिया है आईसीसी के पास, यहाँ यहाँ होगा। और इंडिया के कंसर्न को देखते हुए ये पीसीबी जो है, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, उसने बोला है कि इंडियन टीम को सारे मैचेस लाहौर में ही खिलाए जाएंगे, और उनको प्रेसिडेंट, जो सुरक्षा प्रेसिडेंट को मिलती है, वही सुरक्षा उनको दी जाएगी। अब भारत को ये डिसाइड करना है कि पाकिस्तान जाएगा कि नहीं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। अब ये पाकिस्तानियों को अकल पे पत्थर पड़ा हुआ है, सारे पाकिस्तानी गधों की तरह बात करते हैं, दिमाग इनका एकदम खाली हो चुका है। बोलते हैं कि अगर वो नहीं आएंगे तो हम नहीं जाएंगे, ये है वो है, क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, क्यों नहीं आना चाहते पाकिस्तान में। अब इनको अकल समझ में नहीं आता कि ये दूसरे कंट्री के क्रिकेटरों से तुलना करते हैं, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, इन सब कंट्रीज से तुलना करते हैं इंडियन टीम की। अरे तुम्हारे यहाँ 24 करोड़ जितने पाकिस्तानी हो, तुमको दुश्मनी तो इंडिया से है, तो तुम दूसरे देश के लोगों से क्या तुलना करते हो? जलते हो इंडिया से जो है, विराट कोहली है उससे जलते हो, रोहित शर्मा से जलते हो, जितने हमारे खिलाड़ी हैं सबसे तो जलते हो तुम लोग। और तुम लोग बोलते हो कि वहाँ के क्रिकेट खेलें, तुम चाहे प्रेसिडेंट की सुरक्षा दो या अमेरिकन प्रेसिडेंट टाइप का सुरक्षा दे दो, अगर कोई वहाँ आके कुछ हमारे खिलाड़ियों के साथ कुछ गलत हो गया तो तुम क्या करोगे? तुम क्या कर क्या लोगे? बस इंक्वायरी कराओगे, ये कराओगे, वो कराओगे, और तुमको उसका रिपरकशन समझ में आता है? मोदी तुमको पटरा करके रख देगा अगर इस तरह। तो हम लोग अपने खिलाड़ियों की जिंदगी कैसे खतरे में डाल सकते हैं? तो सारे पाकिस्तानियों को हम बता देना चाहते हैं, सुन लो, दोनों कान सुन के, और एक आध अगर दोनों कान से सुनाई ना पड़ता हो तो एक एम्पलीफायर लगा के माइक, वो लाउड स्पीकर लगा लो और सुन लो कान खोल करके, कि तुम्हारे यहाँ इंडियन टीम किसी भी हालत में खेलने नहीं जाएगी, कुछ भी हो जाए, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी बिना इंडिया के हो जाए, इंडिया किसी भी कीमत में तुम्हारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी, चाहे हो या ना हो चैंपियंस ट्रॉफी। और आईसीसी का मन हो तो बिना इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी करा ले, इंडिया को सब मंजूर है, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान जाना मंजूर नहीं है। हम लोग अपने बेशकीमती खिलाड़ियों की जिंदगी तुम्हारे यहाँ भेज के पाकिस्तान में खतरे में नहीं डाल सकते। सारे लोग दिल से दुश्मनी रखते हो, सारे पाकिस्तानी, इंडियन क्रिकेटर से दुश्मनी रखते हो, पूरे इंडिया से ही दुश्मनी रखते हो। तो जब तुम बोल सकते हो कि जो प्राइम मिनिस्टर का सर काट के लाएगा, मोदी का, उसको ये देंगे वो देंगे, जब तुम लोग इतने गिरे हुए आदमी हो, तो तुमको, तुम्हारे यहाँ कैसे कोई खिलाड़ी जाएगा खेलने के लिए? तो ये आंख मूंद के सुन लो कि चैंपियंस ट्रॉफी हो या ना हो, होगा तो बिना इंडिया के होगा, इंडिया तुम्हारे यहाँ नहीं जाएगा, अगर किसी और वेन्यू पे होगा, शिफ्ट हो जाएगा, आईसीसी शिफ्ट करेगी किसी दूसरे वेन्यू पे, तब इंडिया जाके खेलेगा, पाकिस्तान में पैर नहीं रखेंगे इंडिया के लोग। इस बात को कान खोल करके सुन लो, और जितनी जल्दी समझ में आ जाए तुम्हारे उतना ही अच्छा है, और नहीं तो जो है ये तुम्हारे यहाँ तो सारी टीमें ही जाना बंद कर देंगी, बायकॉट कर देंगे तुम्हारे यहाँ। तुम्हारे यहाँ देख रहे हैं, और दूसरे कंट्री में जितनी क्रिकेट की बात नहीं होती, सब तुम्हारे यहाँ बात करने वाले क्रिकेट में बहुत ज्यादा लोग, पाकिस्तानियों में जो देखो वही यूट्यूब खोल के, जो देखो देखो वही न्यूज चैनल, सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट करते रहते हो। और हालत यह है कि अभी तक तुमने अपनी T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो कि 1 महीने बाद होना है, उसके लिए अपनी टीम नहीं घोषित किया, जबकि सारे दूसरे कंट्री वालों ने घोषित कर दिया।
अपने को मालूम नहीं क्या समझते हो तुम लोग, जो है इतनी अकल नहीं है कि 1 महीना पहले टीम घोषित करो ताकि खिलाड़ियों को पता चले कि भाई हम जाने वाले हैं मैच खेलने के लिए, वर्ल्ड कप में मेरा नाम है। तुम लोग किस तरह के हो पता नहीं, समझ में नहीं आता, बस बातें लंबी लंबी करते रहते हो। तो तुम्हारे यहाँ इंडिया कभी नहीं जाएगा, चाहे दुनिया उलट जाए, सूरज पश्चिम में उगने लगेगा, तब भी इंडिया तुम्हारे यहाँ मैच खेलने नहीं जाएगी पाकिस्तान, चाहे सूरज पश्चिम से उगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन इंडियन टीम कोई भी खिलाड़ी तुम्हारे यहाँ पैर नहीं रखेगा पाकिस्तान में। इतना कान खोल के सुन लो, अभी से समझ जाओ, इसलिए ज्यादा चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया आया नहीं, ये सब चक्कर में पड़ो ही मत। फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।